धन्नो वाहिगुरु जीओ। श्लोक महला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़े नेहु लगा विसरया करता केस नाड़ कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती दुद बाज कूड़ो कूड़ नानक वखाणे बेनती दुद बाज कूड़ो कूड़ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गरीब नवाज सचे सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी के पावन हजूर सतगुरु जी के दरबार विच जुड़ बैठी गुरु सवारी सात संगत जीओ। वड्डे पाग अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बख्शिश किए हैं सतगुरु जी के पावन हजूर जुड़ बैठण का यह सुभाग समा आपां सारिआं नूं प्राप्त होया है। गुरु जी की पावन बाणी गुरु सवारिआं पासों आप जी ने बड़े प्रेम सत्कार सहित पाठ अते कीर्तन के रूप में सरवण कीती है। समा है सतगुरु की पावन बाणी की विचार नाल मन बिरतियां नूं एकागर करन दा। इन्हां दीवानां दे विच आपां लड़ीवार आसा की वार की पावन बाणी नूं जिन्नी कु वी मतबुद्ध समर्था है उस अनुसार ही समझण दा विचारण दा यह अभ्यास कर रहे हां। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज की इस अमृत बाणी दे विचों आप जी ने दसवीं पौड़ी नाल संबंधित पहला श्लोक पाठ के रूप में सरवण किया है। इस पौड़ी दे नाल कुल दो श्लोक हैं। इस श्लोक दे विच महाराज ने एक शब्द बार बार वरत्या है कूड़।
कूड़ शब्द का जो सीधा अर्थ है वह है झूठ। असी अक्सर ही जदों कोई अजिहा बचन करते हाँ तो दूजा व्यक्ति अगर सानू ये गल कहे कि तू ये गल झूठ कही है, ये सच नहीं है, इवें असी दो शब्दों का प्रयोग करते हाँ, एक झूठ दूजा सच। सच की है जो कल भी सी, अज भी है, जो कल भी रहेगा। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच का भाव है जो यथार्थ है, जिस चीज़ की होंद है। तो कूड़ वो है जो यथार्थ विच नहीं है, घड़िया गया है, बनाया गया है। जदों असी बोलण विच सच झूठ का शब्द वरतते हाँ तो उदों इस भाव विच वरतते हैं, घड़ी गई गल, बनाई गई गल, जो वापरी ना होवे, जो होवे ना। सतगुरु बाणी दे विच जदों जगत पसारे वास्ते कूड़ शब्द वरतते ने तां उत्थे सतगुरु जी इस जगत पसारे दे नाशवंत होण दी गवाही भरदे ने वी ये है कल नूं नहीं होएगा, जो पहलां सी वेखो अज नहीं है, जो अज दिस रहा है आउण वाले वक्त विच नहीं होएगा। जानी सारा जगत जिहड़ा है वो बिनसनार है। इस चीज़ का एक होर भाव समझिए, कूड़ शब्द का जो अर्थ बाणी विच महाराज ने बयान किया, समय दे नाल हर चीज़ बदल जाती है। तीन चीज़ां सदा इको जीयां नहीं रहिंदियां, एक वस्तु जिहड़ी है ना उहदे उत्ते तीन चीज़ां प्रभाव पाउंदियां ने, समा, स्थिति ते स्थान। वक्त नाल चीज़ बदल जाती है, हर एक वस्तु की बार बार स्थिति बदलन दे नाल वो चीज़ विच परिवर्तन आ जाता है। जो समा बदलता है स्थिति भी बदल जाती है, सिचुएशन जिन्हों आप कहते हैं। तो तीजा है स्थान, वो चीज़ा भी बदल जाती ने। मनुख जिहड़ा है वो समय नाल, स्थान नाल, ते स्थिति दे नाल बड़ा कुछ नवा ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है। कई बार आपां किसी व्यक्ति बाबत जदों ये शब्द वरतदे हाँ कि तू ओहो जिहा नहीं रहा जिहो जिहा तू पहलां सी, तू बदल गया, तो उहदे उत्ते तीन चीज़ां ने इफेक्ट पाया, समय ने पाया, सिचुएशन ने, स्थिति ने पाया, स्थान ने पाया। कुल जगत पसारे दे विच महाराज ने कहा कि समा जिहड़ा हर चीज़ नूं बदलदा तुरिया जांदा है। जदों कोई व्यक्ति कोई बचन करता है तो आप जिस वेले उहदे विहार नूं तकदे हां तां उह व्यक्ति खुद कहिंदा वेखो जदों मैं ये गल कही उदों सिचुएशन होर सी, स्थिति होर सी, उदों ये गल मैं आखी जां कहनी पई जां जद उदों मैनूं ये काम करना पिया, हुण सिचुएशन बदल गई, स्थिति बदल गई, हालात तब्दील हो गए। जानी संसार दे अंदर कोई वस्तु इको जी नहीं रही, जिहो जी कोई चीज़ पैदा होई मनुख अपने जीवन वल वेखे उहदा बचपन किन्ने रंगां विचों किन्ने पड़ावां विचों गुजरिया, ज्यों ज्यों उम्र वडेरी होई समय दे नाल औध बीतदी गई स्थितियां किन्नियां बदलियां ने, स्थान दे नाल किन्नियां सिचुएशनस जड़ियां ने वो चेंज होईयां ने जीवन दे अंदर। तो साहब सतगुरु महाराज ने बाणी दे विच इस नाशमानता नूं, ना टिके रहन वाली सिचुएशन नूं भी मिथ्या किया है, कूड़ किया है, ये सारा कुछ मिथ्या है। मिथ्या दा अर्थ नाशवंत है, चेंज हो जाण, जो वस्तु जिहो जिही नज़र आ रही है वह जी नहीं है, जो उस हालत में पहला नहीं सी जां बाद विच नहीं रहेगी। तो गरीब नवाज महाराज इसे करके शब्द कूड़ वरतते हैं। एक होर नुकता
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ, ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਹੁਕਮ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ 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 ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੂੜ 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 ਲਿਖਿਆ। ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੋਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕੂੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਨਾਤੇ ਵੀ ਕੂੜ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੂੜ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੂੜ, ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਕੂੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੂੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੂੜ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਕੂੜ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਜਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ
एडी वड्डी प्रजा ते करोड़ां अरबां लोकां दे उत्ते राज करदे है ते लोक केवल इन्ना ही कहिंदे ने चोरी छुपे जी जुल्म करदा है, धक्का करदा है, पाप करदा है। इहदा मतलब है करोड़ां लोक भी उस दे जुल्म अत्याचार पाप धक्के अगे सिर सुट के जीना सिख गए ने, सानू की ते खुद भी उहो जिहे ने। अगर उन्हां करोड़ां विचों तुसी वारी वारी चुन लवो कि राजे की जगह दे उत्ते तुहानू मौका मिलेगा, वह किन्ना कु घट करनगे। जी दोवें इको स्थिति च रहे ने, फर्क यह है भी एक दे कोल अहुदा है ते दूजे कोल अहुदा नहीं। मानसिक हालत दोवां दी इको जिही है। एक व्यक्ति जिहड़ा है वह अपने इर्द गिर्द विचरण वाले जितने मनुख हन उन्हां नाल चंगा व्यार नहीं करता, पर वह कहिंदा जी राजा जालम है, बादशाह सही नहीं। अगर मैं 20 बंदियां नाल 40 बंदियां नाल चंगा व्यार नहीं कर सकिया, 40 लाख नाल 40 लाख की पावर मेरे को आ जाए तो मैं किहो जिहा होवांगा? उहो जिहा ही जिहो जिहा 40 वेचां, उहो जिहा ही जिहो जिहा 100 वेचां, उहो जिहा अरब वेच होवांगा। उत्थे ते ताकत वध जाणी है, सगों होर खुल के खेडण की इजाजत हो जाणी है, पावर होनी है। सो इस चीज़ का तवाजन विगड़ेगा सवरण की बजाय। तो सतगुरु ने फरमाया भी कूड़ की स्थिति में ही राजा है, कूड़ की स्थिति में ही प्रजा है। अपनी स्थिति नू बदलन की बजाए लोग कहिंदे हन राजा बदल दिओ, राजा कहिंदा प्रजा नू मार दिओ। सतगुरु ने आख्या भी जिन्ना चिर तेरे बिना मनुख जीवन जी रहा है वह कूड़ है सारा, वो राजा होना भी कूड़ है, प्रजा होना भी कूड़ है। बाबर ने हमला किया भारत उत्ते, जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सारे दृश्य अखां नाल तके, खुद इहदे विच हजूर महाराज कैद कट्टी। दो लफज ऐसे ने हजूर दे शब्दां विच जिथे महाराज ने बाबर की अत्याचारी फौज नूं इन्हां शब्दां नाल संबोधन किया है, शक्ता शीं का मतलब है जिमें कोई जंगली बघियाड़ भेड़िया होवे। ते परजा नूं कादे नाल संबोधन कीता है? वग पै वगै, शक्ता शीं मारे पै वगै, जिमें गऊआं दा वग हुंदा है कि कोई गवाला गऊआं नूं चारन गया जंगल दे नेड़े, जंगल विचों खूंखार बघियाड़ ते भेड़िया निकलिया ते वग दे उत्ते टुट के पै गया। वो भेड़िया एक है ते वग दे विच 100 गावां ने, 100 गां रल के भी एक जंगली खूंखार भेड़िए दा सामना नहीं कर सकियां। कुछ भज गईयां, कुछ फटड़ हो गईयां, कुछ मारियां गईयां, क्योंकि उस वग दियां 100 गावां जिहड़ियां सन हर कोई अपने बारे सोच रही सी, अपने आप नूं बचाउण लई तरलो मच्छी हो रही सी। उन्हां ने यह नहीं समझिया भी मुसीबत सांझी है, उन्हां यह नहीं समझिया भी असी सारियां ही खतरे विच हाँ, हर एक ने समझिया नहीं मैनूं खतरा है। इस करके उन्हां दी ताकत भेड़िए नालों किते ज़्यादा होण दे बावजूद भी छोटी पै गई, क्योंकि उन्होंने ताकत वंड ली। 100 की ताकत 100 हिस्सों च वंडी गई तो भेड़िए दे सामने छोटी रह गई। अगर 100 की ताकत इकट्ठी होंदी भेड़िया उन्होंने सामने कमज़ोर होंदा। महाराज ने शब्द कैसा चुनवा वरत्या, शक्ता शीं मारे पै वगै। बाबर आया है कुछ मुठ्ठी पर फौज लैके आया है। इधर पठान हाकम सन जिहड़े ऐश प्रस्ती विच गर्क सन, उन्होंने कहा सानू की? वो अंदरों वंडे हुए सन, अंदरों खिंडे हुए सन, तो फिर ऐश प्रस्ती विच गलतान सन। उन्होंने प्रजा की परवाह कोई नहीं, उन्होंने सारी जिम्मेवारी सुट दिती ना अहल आगुआ दे उते, और इहदे नाल नाल कोटी हूँ पीर वर्जर हाए जा मीर सुनिया ताया,
ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ ਰੁੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਆਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤਾ ਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸ਼ਾਈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਬਾਜ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੂੜ ਹੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਕੂੜ ਹੀ ਖਰਚੇਗਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਡਪ, ਮੰਡਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਡਪ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੂੜ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੂੜ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਸਣਹਾਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੂੜ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਉਜਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੂੜ ਰੂਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਜੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਕੂੜ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੁੱਧ ਬਾਜ, ਔਰ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਵੀ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ, ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਹ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜ ਰੂਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦੇਹੀ। ਕੱਪੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਸਤਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਫੀਸ ਕੱਪੜੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਅਪਾਰ ਰੂਪ, ਬੇਅੰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਹੀ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਲਈ ਕੂੜ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੁੱਧ ਬਾਜ, ਇਹ ਤੁੱਧ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਧ ਬਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁੱਧ ਬਾਜ ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਚਨ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁੱਧ ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਲੋਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਮੀਰ ਔਰ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਹਉਂ ਆ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਆ ਜਾਏ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਆ ਜਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
मोह होवे, मोह की लड़ाई है, स्वार्थ की लड़ाई है, हों की लड़ाई है, सच उहदे विच नहीं हुंदा। पर मनुख सीधा नहीं ना कह सकता भी मैं सच्चा, जां सीधा कह नहीं सकता भी मैं तां जी भरम की लड़ाई लड़दा। सच्चाई है भी असीं भरम की लड़ाई लड़दे हां, जिहड़ी गल का कोई वजूद नहीं हुंदा, जिन्हां गल्लां का कोई असर नहीं हुंदा। सतगुरु बाबरवाणी के शब्दों में भी यही कि जदों असीं उन्हां शब्दों को पढ़ते हाँ तो उहदे विच भी हजूर ये कहिंदे ने भी है की विच इहदे, एक बंदा आ रहा है दूजिया नूं कुट रहा है, लुट रहा है, मार रहा है, नगर तबाह कर दिते, शहर सब की है इहदे च, हर चीज़ नूं तुसीं विच की है, इस कलेश दे युद्ध दे तबाही दे विचकार की चीज़ है? कुछ भी नहीं, जे तुसीं खोजो तां कुछ भी नहीं, ना पठान रहे ना बाबर रहा, कुछ सी किहड़ी चीज़ सी? सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह इसे करके फरमाउंदे ने कूड मियाँ कूड़ बीबी खाप होए खार, खप खार हो गए, उलझ उलझ के मोह विच, स्वार्थ विच, अहंकार विच, रिश्ते भी करके वो कोई कूड़ रूप हो गए तो दबाज। फिर महाराज कहिंदे कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, इउं कूड़े जीव दा कूड़ियां चीज़ां नाल, नाशवंत दा नाशवंत वस्तु दे नाल नेह प्रेम पिया होया, वो स्वार्थ मोह अहंकार और भरम विच मुबतला ते ग्रस्त है, जीव नूं की विसर गया ऐसा कि वह खुद भी कूड़ा है ते कूड़ नाशवंत चीज़ां दे मोह भरम अहंकार स्वार्थ विच फस गया। हजूर कहिंदे विसरिया करता, क्योंकि उसनू करता भुल गया है, जो करनहार है वो दे चिंतन विचों गायब हो गया। बाबा कबीर जी महाराज जगत नू वेंदे ने तां संसार नू चित्र कहिंदे ने, चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्रकार लागे ही खड़ा सी ते लोग उस तस्वीर नू वेख के मत्थे टेक रहे सन। चित्रकार दे तन ते ना कपड़ा ना खाण नू रोटी, एक बंदे ने तो उन्हें धक्के भी मारे, कहन लग्या एड्डी सोहनी तस्वीर है तू ये लागे खड़ा कर दे, चल दूर चल, मैले कपड़े लैके, तू किहो जिहा बंदा है, तेरे हाथ भी सारे मैले होए पए ने रंगा नाल, चल दूर चल, एड्डी सोहनी तस्वीर लागे तू की करदा है? उन्हां विचों एक मनुख ऐसा सी उन्हें आके कहा वो भल्यो लोगो इसे नहीं तो बनाई है, जिहड़ा बंदा इन्नी सोहनी तस्वीर अपने हत्थां नाल बना सकता है, सोचो इहदी इमेजिनेशन किन्नी उची होएगी, इहदी कल्पना की उडारी किन्नी तेज होएगी, इहदे दिमाग विच इहो जिहियां सैकड़े ही तस्वीरां पईआं होणीआं ने, चित्र पए होणे ने, इहदा माण करो, इहनूं समां दिओ, इहो जिहियां हज़ारां तस्वीरां ये कागज़ां ते बना सकदा, इहदे दिमाग च पईआं ने, तुसीं उस चीज़ नूं धक्का दे रहे हो जिहड़ा सैकड़े तस्वीरां नूं जन्म दे सकदा। केवल एक तस्वीर तुहानूं सोहणी लगी नहीं, इहदे अंदर तां अनंत तस्वीरां पईआं ने, इहो जिहियां खौरे इदों भी वधिया बना देवे। बाबा कबीर जी महाराज कहिंदे ने जगत की हालत इवें है, चचा रचित चित्र है भारी, तज चित्रै चेतो चितकारी, चित्र बचित्र इह अवचेरा, तज चित्रै चित राख चितेरा। कहिंदे कैसा विचित्र स्वप्न भरिया, बाकमाल अनंत बेअंत अपौंच और अगम संसार परमेश्वर ने रचे, हे भाई केवल इसनू ही ना तको, उस तो सदके जाओ जिसने इसनू रचिया है। इस करके तज चित्रै चित राख चितेरा, मूल उहनू समझो जो रचना आ रहा है, ये तो उहदी रचना है, इहो जिहियां तां अनंत रचना उह रच सकदा है। महाराज फरमाउंदे ने सब जग किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलनहार। हे भाई किस नाल मित्रता गंढीए, सथाई कौन है,
परमानेंटली कौन है, सदा कौन है, हर चीज़ चलाएमान है, नाशवंत है, बिनस जाण वाली है। पर यह बिनसन वाला पसारा कूड़ मिठा, ये कूड़ सानू मिठा लगता है, कूड़ माख्यो शहद वर्गा लगता है, कूड़ डोबे पूर, ये भरम स्वार्थ हंकार और मोह रूप कूड़ ही सानू मिठा लगता है। पातशाह कहिंदे ने पर यह कूड़ साढ़े पूरा नू डोबण की ताकत रखता और डोब देता है, साढ़े ज्ञान इंद्रे विषयां विच मुबतला ने, पूर डुब जाता है। जीवां दे जीव पूरां दे पूर इस वहन विच वह रहे ने। इस करके गुरु पातशाह ने अखीरली पंक्ति च फरमाया, नानक वखाणे बेनती, जदों मैं डुबदे होए पूर वेखदा हाँ तां मेरे अंदरों अरदास जोदड़ी ते बेनती प्रगट हुंदी है, ते मैं उस परमेश्वर वाहिगुरू दे चरणां विच हथ जोड़दा हाँ, उहदी होंद अस्ती सामने सी झुकाउंदा आखदा हाँ, तुद बाज कूड़ो कूड़, हे मेरे मालक तेरे बिना ते सब कूड़ ही है, तू होवें तां तेरे खंड भी सच्चे लगते ने, ब्रह्मंड भी सच्चे लगते ने, लो आकार भी सच्चे लगते ने, तू अपने हुक्म अपने दीवान हर चीज़ करके सच्चा हुंदा है, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, अगर तू ना होवें तुद बाज होवे फिर कूड़ो कूड़ ही है। साहब सतगुरु कृपा करन अगलेरा श्लोक इसे श्लोक दे भाव नूं अगेरे व्याख्या दिंदा है। अगले दीवान विच विचारांगे भुल चुक दी खिमा। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।